अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नोमान और आप देख रहे हैं व्हाट मोबाइल रिव्यूज़। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट का फर्स्ट इंप्रेशन। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट के ही बारे में। उसका फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे कैसा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे कैसा है, इसकी डिज़ाइन कैसा है और इसकी जो प्राइस रहेगा पाकिस्तानी मार्केट में कितनी होगी। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसका जो डिटेल रिव्यू होगा सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट का, वो भी अपने चैनल पर आपके लिए हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और अभी हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट का डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, लेटेस्ट मोबाइल प्राइसेस, अपडेट्स, अलर्ट्स, रिव्यूज और न्यूज के लिए अभी प्ले स्टोर पर जाएं और हमारी व्हाट मोबाइल की ऐप को डाउनलोड करें और रहें अपडेट। और वीडियो की अपनी ऐप का लिंक दे दूंगा और हमें आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, उसके भी लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो दोस्तों, अब हम मूव करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस टैग की। इसकी जो प्राइस टैग होगी पाकिस्तानी मार्केट में होगी 1,20,000 से लेकर 1,30,000 की रेंज में कहीं दरमियान पर यह लाई करेगी इसकी प्राइस टैग। और पाकिस्तानी मार्केट में उसका जो वेरियंट होगा वो होगा 8GB रैम और 128GB ब्रेन स्टोरेज वाला वेरियंट आएगा पाकिस्तानी मार्केट में। और इस फोन में आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो होगा 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा इस फोन में आपको। इसका जो डिज़ाइन है, मुझे जो है इसका डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है इसका डिज़ाइन। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड दी गई है। इसकी जो फ्रेम है वो एक मेटल फ्रेम दी गई है और इसकी जो बैक पे आपको जो ग्लॉस्टिक डिज़ाइन दिया गया, इसकी बैक पे आपको ग्लॉस्टिक डिज़ाइन दिया गया, इसकी बैक है वो भी काफ़ी खूबसूरत दी गई है। उसके बैक पे ही आपको इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया 48 मेगापिक्सल का। इसका दूसरा कैमरा हुआ है 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस है। उसका जो तीसरा जो कैम है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जिससे आप वाइड एंगल वाली पिक्चर क्लिक कर सकेंगे। उसके कैमरे में आपको सुपर स्टेडी ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन मोड भी दिए गए। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो जो होगी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगी, काफ़ी अच्छा आप जो है रिजल्ट निकल कर आएगा। उसका जो रिज़ल्ट है हम अपने डिटेल रिव्यू में इसकी वीडियो का रिज़ल्ट है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा इसकी बैक पर आपको इसका सैमसंग की ब्रांडिंग भी दी गई है और इसका जो फ्रंट पैनल है उस पर आपको मिलता है इसका पंच होल वाला डिस्प्ले है। उसमें पंच होल में आपको मिलता है इसका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट दिया गया। इसमें आपको जो डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है, आप इसके डिस्प्ले को डायरेक्ट सनलाइट में इजीली यूज़ कर सकेंगे। इसके डिस्प्ले में आपको जो रेजोल्यूशन दी गया हुआ है 1080x2400 में आपको रेजोल्यूशन दी गया है। उसमें आपको जो पिक्सल डेंसिटी दी गया हुआ है 393 PPI में आपको पिक्सल डेंसिटी दी गई है। और उसके डिस्प्ले में आपको जो बेजल है वो ना होने के बराबर, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है। इसके डिस्प्ले में आपको उसके जो बेजल हैं आप जैसे काफ़ी कम है। इसका जो स्टैंड नेविगेशन कीज़ हैं आप इसमें आपको उसको काफ़ी ज़्यादा, इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए, डिफरेंट ऑप्शन दिए गए इस ऐप ऑफ गेस्टर्स की। और इसके डिस्प्ले में आपको जो डार्क मोड है वो भी दिया गया, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी मोड दिया गया है। और इसके डिस्प्ले के अंदर ही आपको इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया, इसमें आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया। उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जस्ट के ऊपर टैप करना है इसके फिंगरप्रिंट पर, क्विकली जो है आपके फिंगरप्रिंट को जो रिस्पॉन्स करे काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और उसके साथ इसमें आपको फेस आईडी की भी ऑप्शन दी गया है, उसकी भी परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इसका फेस आईडी, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, आपको जस्ट टैप करने की देर हो जाए जो है क्विकली जो है अनलॉक हो जाएगा। और इसके अलावा इस फोन में आपको जो बैटरी दी गया इसका प्लस पॉइंट, इसमें आपको 4500mAh की बैटरी दी गई। उसके साथ इसमें आपको 45W का फास्ट चार्जर भी दिया जाएगा, उसमें आपको फास्ट चार्जिंग पोर्ट दी गई। इसमें आपको इसके बॉटम पर आपको मिलती है इसकी USB Type-C पोर्ट, इसका लाउड स्पीकर केबल। और इस फोन में आपको 3.5 ऑडियो जैक नहीं दिया गया, इसमें जो ऑडियो जैक है वो मिसिंग है। और इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको मिलेगी इसकी हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें आप एक सिम या एक मैग्नेटिक कार्ड आप एट ए टाइम यूज़ कर सकेंगे। और जो राइट साइड है उस पर आपको मिलता है इसका पावर बटन, उसके ऊपर इसके वॉल्यूम रॉकर्स हैं। और जो टॉप है उसमें आपको जैसे इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक ही दिया गया है। और इसके अलावा इस फोन में आपको जो चिपसेट दी गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 की चिपसेट है, जो कि 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस है, जो काफ़ी अच्छी चिपसेट है, फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट है। और इसके ऊपर आपको मिलता है इसका ऑक्टा कोर प्रोसेसर, में आपको जो एड्रीनो का जो GPU दिया गया हुआ है 640 का GPU दिया गया, जो इसका परफॉर्मेंस को टैकल करेगा। और इसमें आपको जो रैम है मैं आपको भी बता चुका हूँ, 8GB रैम, 128GB ब्रेन स्टोरेज भी दिया, आप इसकी स्टोरेज को मजीद बढ़ा भी सकेंगे। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दी गई है, उसमें आपको
काफ़ी अच्छे सेंसर भी दिए, आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, स्टेप काउंटर सेंसर भी दिया गया है। और इसके अलावा इस फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया, उसकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखा चुका हूँ। और इसके अलावा दोस्तों ये थी सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो, और इसका जो डिटेल रिव्यू होगा वो भी अपने चैनल पर हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा। सो गाइज, दिस इज़ मी नोमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट मोबाइल रिव्यूज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।